सो है गाइज, निक्स हेयर एंड फाइनली आई एम बैक अगेन विद द ब्रांड न्यू वीडियो गाइज। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी पावरफुल और डार्क थीम लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो लास्ट वाली जो थीम है गाइज वो थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उस थीम को ज़रूर देख कर जाना, ठीक है। बट उससे पहले कहना चाहूँगा गाइज, वीडियो पर अगर पहली बार आए हो तो यार कर दो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक मार देना वीडियो को, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट की यार तुम्हारे भाई को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड सॉरी पिछले कुछ दिनों से गायब था, बट अब रेगुलर वीडियो आएगी चैनल पर, ठीक है, तो कर देना सब्सक्राइब। तो बात करते हैं अपने चलो पहली इस थीम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव वॉलपेपर्स के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। एंड उसके ऊपर दिए गए हैं वॉलपेपर से मैच करते हुए ये आइकन्स, जो कि ब्लू एंड पिंक कलर को यूज़ किया गया है यहाँ पर। और तो ओवरऑल यार ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं आइकन, ठीक है। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो और अच्छा एक लुक आएगा निकल कर। एंड उसके बाद में देखने के लिए मिल जाती है ये एक ट्रांसपेरेंट विजिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। एंड उसके ऊपर आप देख सकते हैं म्यूज़िक कंट्रोलर दिया गया है, तो अपना म्यूज़िक प्ले पॉज आप यहीं से कर सकते हैं। तो ओवरऑल यार मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, ठीक है, इस थीम के अंदर देखने के लिए। एंड बात करें अदर आइकन्स की, तो ऐप ड्रॉवर आप देख सकते हैं सारे ही आइकन्स यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, जो कि काफ़ी सही लुक दे रहे हैं अपने डिवाइस को, ठीक है। ये वॉलपेपर भी हर काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब लग रहा है, काफ़ी HD सा दिया गया है। बात करें अगर इसकी सिस्टम की, तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका डायलर, ब्लैक एंड ब्लू कलर यूज़ किया गया है सिस्टम में हर जगह यहाँ पर। तो ओवरऑल यार काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और तो ये है इसकी सेटिंग में अगर बात करें, तो अच्छा खासा चेंज देखने के लिए मिल जाएगा आपको इसके टॉगल्स में। तो यार टॉगल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब लग रहे हैं। एंड आप नीचे देखेंगे तो कुछ और अच्छा सा या लाइक अकाउंट एंड सिंक का आइकन काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। अबाउट फ़ोन में अगर जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन एंड कुछ कलर का आपको डिफरेंस मिल जाएगा देखने के लिए। तो फुल्ली डार्क थीम है, हर जगह आपको डार्क डार्क ही दिखेगा देखने के लिए, ठीक है। बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो वहाँ भी भाई फुल्ली डार्क कंट्रोल सेंटर मिल जाता है देखने के लिए आपको, जो कि ओवरऑल काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करूँ तो भाई वो भी फुल्ली डार्क है, तो ये भी काफ़ी मुझे सही लगा देखने के लिए। एंड ओवरऑल काफ़ी यार इस ब्लू कलर के साथ में देख सकते हैं आप टाइम वगैरह, तो काफ़ी एक ओवरऑल अच्छा लुक आ जाता है निकल कर। तो लॉक स्क्रीन की अगर बात करूं, तो लॉक स्क्रीन एक काफ़ी मिनिमल सी विजिट के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। एंड ये वॉलपेपर वही आपको देखने के लिए मिलेगा होम स्क्रीन वाला, बट यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। बॉटम से अगर आप स्वाइप अप करेंगे तो नीचे से आ जाएगा आपका एक म्यूज़िक कंट्रोलर निकल कर, जहाँ पर थंबनेल तो शो नहीं होगी गाने की, बट यार एक चीज़ आपको दिखाऊं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अगर आप अपना म्यूज़िक प्ले पॉज करते हैं तो नीचे इस टाइप से आपको लाइन मिल जाएंगी देखने के लिए, लाइक ये मूव कर रही हैं, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई म्यूज़िक प्ले हो रहा है। खैर यहाँ पर यार चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, ठीक है, लॉक स्क्रीन में। तो म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं तो आपके काम की थीम है। बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम है गाइस MIALF, ठीक है, तो इस नाम को नोट कर लेना। सेकंड थीम की अगर बात करें, तो हो सकता है इसका वॉलपेपर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, या हो सकता है वॉलपेपर ना पसंद आए, ठीक है। तो आइकन वगैरह आप देख सकते हो गाइस पिछले वाली थीम की तरह है कुछ कुछ, बस कलर थोड़े से ज़्यादा ब्राइट कर दिए गए हैं एंड थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव कर दिए गए, तो कलर वगैरह का डिफरेंस है। एंड ओवरऑल आइकन पैक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उसके साथ में यहाँ पर ये काफ़ी मिनिमल सी दिखने वाली विजिट, तो सही है गाइस। ऐप ड्रॉवर में अगर जाके बाकी का आइकन देखते हैं तो सारे आइकन चेंज नहीं है यहाँ पर, कुछ कुछ रह जाते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी ऐप्स के लाइक, तो काफ़ी सही एक लुक मिल रहा है। एंड जैसे कि मैंने बोला डार्क थीम है, तो डार्क बिल्कुल डायलर देखने के लिए मिल जाता है आपको, हल्का फुल्का चेंज है सिस्टम में, बहुत ज़्यादा नहीं है। सेटिंग की अगर बात करूँ, तो सेटिंग में भी थोड़ा बहुत चेंज आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। अब आप फ़ोन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पोकेमॉन एक्स, तो एक पोकेमॉन की थीम है, आप समझ ही गए होंगे वैसे तो, ठीक है। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, इसका कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं ऊपर एक वॉलपेपर यूज़ किया गया है, जो कि एक काफ़ी अट्रैक्टिव सा वॉलपेपर लग रहा है देखने में। एंड वही वॉलपेपर आपको मिल जाएगा इसके नोटिफिकेशन सेंटर में। एंड गाइज यहाँ पर सॉरी यार उसके लिए, मैं काफ़ी दिन से गायब था पिछले कुछ 4-5 दिन से, ठीक है, बट अब से वीडियो रेगुलर आएगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, तो यहाँ पर एक ड्रैगन पोकेमॉन देखने के लिए मिल जाएगा आपको लॉक स्क्रीन में, जो कि काफ़ी डेंजर लुक दे रहा है। खैर यहाँ पर कुछ खास नहीं है लॉक स्क्रीन में, जब स्वाइप राइट करेंगे तो एक शॉर्टकट वगैरह आ जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर वगैरह ओपन हो जाएगा यहीं से। तो इतना ही था लॉक स्क्रीन में। बात करें इस थीम के गाइज नाम की, तो इसका नाम है पोकेमॉन एक्स, तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ जाती है हमारी सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट वाली थीम, जहाँ पर भाई जितना बोलूँ इस थीम के बारे में कम है। तो सबसे पहले आइकन से शुरू करते हैं यार। आइकन में आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है ब्लैक कलर के आइकन में बल्ब लगा दिए गए हैं पीछे, तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा ग्लो हो रही है, लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी छोटी पीछे LED या बल्ब लगा दिए गए हों, ठीक है, जैसे विंडो से किसी से रोशनी आती है ना किसी के घर से, बिल्कुल ऐसा रोशनी आ रही है।
तो ये यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा यहाँ पर, ठीक है। एंड देख सकते हैं आप इसकी विजिट में एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन देखने के लिए मिल जाती है आपको। तो यार ये दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। एंड आइकन्स मैं बार बार इसके पास से देख रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पर सारे ही आइकन्स गाइस चेंज देखने के लिए मिल जाएंगे आपको ऐप ड्रॉअर में, आप देख सकते हैं। तो सारे आइकन भाई बत्तियाँ बत्तियाँ लगा दी गई हैं सारे आइकन्स में, ठीक है। बात करें इसके सिस्टम की, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सेटिंग में काफ़ी मतलब अच्छा खासा चेंज मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इसके जो टॉगल्स होते हैं सेटिंग में चेंज कर दिए गए हैं। एंड अगर इसके सेटिंग में जाऊँ, आई मीन अबाउट फ़ोन में, तो देख सकते हैं MI कुछ इस टाइप से मिल जाता है, ठीक है, लिखा हुआ। तो ओवरऑल यार ये मुझे काफ़ी होम स्क्रीन पसंद आई। एंड ये है इसका कंट्रोल सेंटर, जो कि काफ़ी कलरफुल कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा आपको रेड ब्लू एंड येलो कलर के साथ में, ठीक है। एंड ये रहा इसका नोटिफिकेशन सेंटर, जो कि आप देख सकते हो गाइस ये भी फुल्ली डार्क कर दिया गया है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी एक डार्क थीम है, इसको ज़रूर ट्राई करना। हो सकता है वीडियो में इतने अट्रैक्टिव ना लग रही हो, बट आप ट्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी असली चीज़ की, जो कि है इसकी लॉक स्क्रीन। तो वही एक एनिमेशन देखने के लिए मिल जाती है लॉक स्क्रीन में आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा यार मुझे पसंद आई। एंड इतना ही नहीं गाइस, आपको यहाँ पर एक लाइव वॉलपेपर भी देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा अगर पास से दिखाऊं तो आप लाइव वॉलपेपर भी इसका देख पाओगे, जो कि एक मोशन लाइव वॉलपेपर है, लाइक आपके हाथ के साथ साथ मूवमेंट के साथ साथ मूव कर रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये वॉलपेपर भी पसंद आया, ठीक है। एंड आप कुछ एनिमेशन देख सकते हैं फ़ोन ओपन जब आप करेंगे उस टाइप से, ठीक है। एंड ये है इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि एक काफ़ी अच्छा सा कंट्रोल सेंटर लॉक स्क्रीन में भी दिया गया है, जहाँ पर कुछ अच्छे से शॉर्ट्स कट दिए गए हैं। एंड ये प्रॉपर वर्क करता है यहाँ पर, जो भी टॉगल वगैरह देख रहे हैं, लाइक ये ब्लूटूथ ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर अपनी ओपन हो जाएगी ब्लूटूथ। तो ये पूरी तरह से वर्क करता है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर मैं स्वाइप राइट करूँगा तो कुछ और चीज़ आपके लिए आपके सामने आ जाएंगी, लाइक बैटरी परसेंटेज एंड वेदर की विजिट वगैरह। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। स्वाइप लेफ्ट करूँगा तो यार ये और कुछ आ जाता है, लाइक ये गेम डाउनलोड करने के लिए कह रहा, बट होंगे नहीं। फिर यहाँ पर देखने में तो काफ़ी ज़्यादा यार ब्लैक एकदम मतलब अट्रैक्टिव सी थीम लग रही है देखने के लिए, ठीक है। तो इस थीम को भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो आप, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके नाम की, इसका नाम है प्लेसिड एक्स। तो आप ज़रूर ट्राई करना। आज के लिए इतना ही गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।